नमस्कार फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, अगर आपके डॉक्टर ने आपको माइग्रेन बताया है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, तो ये पूरी तरह से गलत है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी और असरदार दवाएं हैं जो आपके माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हैं। हमारे देश में आज माइग्रेन से पीड़ित लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि माइग्रेन बच्चों में और अर्ली एज में ज़्यादा होता है। ओल्डर एज के लोगों में भी ये देखा जाता है, बट कंपैरेटिवली ये यंग एज में ज़्यादा होता है। और जिनको भी माइग्रेन की समस्या होती है, वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनका जो लाइफ रूटीन है वो नॉर्मल नहीं रह पाता है, बहुत डिस्टर्ब रहता है, और माइग्रेन की वजह से उनके डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माइग्रेन क्या होता है, ये कैसे हो जाता है, किन कारणों की वजह से माइग्रेन हो जाता है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको माइग्रेन हो चुका है, और इसकी बहुत अच्छी और असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ। तो इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसको प्रेस कर दें, और उसी के साथ ही बेल बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माइग्रेन को हिंदी में अध कपारी या आधा सीसी भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं माइग्रेन होता क्या है। तो माइग्रेन एक तरह का सरदर्द होता है जो कि बहुत तेज़ होता है। यह दर्द सर में एक तरफ भी हो सकता है और सर के दोनों तरफ भी हो सकता है, मतलब आपका राइट साइड का हेड भी इससे अफेक्टेड हो सकता है और लेफ्ट हेड में भी हो सकता है। माइग्रेन के पेशेंट को लाइट से बहुत प्रॉब्लम होता है, साउंड से बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर किसी भी पर्सन को माइग्रेन होता है, तो वो चाहता है कि वो एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा रहे, कोई उससे बात ना करे और किसी तरह का शोरगुल ना हो उसके आसपास। अब जानते हैं इसको कैसे पहचानेंगे आप कि आपको माइग्रेन हो चुका है, यानी कि इसके सिम्टम्स हम जानते हैं कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसका जो यूनिक सिम्टम होता है सबसे, वो ये होता है कि आपको माइग्रेन का अटैक आने से पहले ही आभास हो जाता है कि आपको माइग्रेन का अटैक आने वाला है। मोस्टली माइग्रेन का जो दर्द है वो आधे सर में ही होता है, लेकिन किसी किसी को ये पूरे सर में भी हो सकता है। पहले ये दर्द स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे होता है और फिर काफ़ी तेज़ हो जाता है और वॉमिटिंग पर आके एंड होता है। किसी किसी को सरदर्द के साथ उल्टी आने जैसी समस्या भी होती है, उनको लगता है कि सरदर्द होने के साथ साथ उनको उल्टी आ जाएगी, लेकिन उल्टी होती नहीं है, और किसी किसी को उल्टी हो भी जाती है। पर ये सिम्टम पेशेंट टू पेशेंट वैरी करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी पेशेंट को सरदर्द के साथ उल्टी आए ही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको सरदर्द किस तरह का होता है। तो माइग्रेन में ज़्यादातर सरदर्द में ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कोई सर में बहुत तेज़ हथौड़े मार रहा है, और पेशेंट को लगता है कि उसका सर दर्द से फट जाएगा, एकदम बर्स्टिंग टाइप का पेन होता है सर में। किसी किसी पर्सन में हमेशा सिर्फ राइट साइड में पेन होता है सर में, और किसी किसी पर्सन में लेफ्ट साइड में पेन बना रहता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को थकान फील हो सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को पल्सेटिंग पेन भी फील हो सकता है, इस तरह का पेन फील हो सकता है पेशेंट में। पेन एरियाज़ की बात कर लेते हैं कि ये जो माइग्रेन होता है इसमें पेन कहाँ कहाँ पर होता है। इसमें आपको पेन गर्दन से भी शुरू हो सकता है, पूरे सर में भी फैल सकता है, और आँखों के पास आके सेटल हो जाता है पेन। किसी किसी पेशेंट में ये भी देखा गया है कि उनको माइग्रेन के साथ साथ डिस्टॉर्टेड विजन की भी प्रॉब्लम होती है। डिस्टॉर्टेड विजन होता है कि आपको पास की रखी हुई चीज़ें धुंधली दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि माइग्रेन में आँखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो इस वजह से आपको आसपास की चीज़ें धुंधली दिखाई देने लग जाती हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको माइग्रेन है। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों की। तो फ्रेंड्स, माइग्रेन के केस में अभी तक कोई एग्जैक्ट कारण नहीं मिला है कि इसकी वजह से माइग्रेन होता है, बट कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है जेनेटिक, मतलब अगर आपकी फैमिली में, आपके ब्लड रिलेशंस में, मतलब आपके मदर फादर को या आपके भाई बहनों को या आपके नाना नानी या दादा दादी को किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो ये आगे की जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा कारण होता है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी एबनॉर्मल होने लग जाती है, और उसकी वजह से हमारे ब्रेन को ठीक से ब्लड नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, और इसके परिणाम स्वरूप हमें माइग्रेन हो जाता है। फ्रेंड्स, तीसरा कारण होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको बहुत सालों से कंटिन्यूस एक स्ट्रेस का माहौल बना रहता है आपके घर में और आपके चारों तरफ, तो भी आपको आगे चल के माइग्रेन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में। माइग्रेन के केस में कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, आप जिनको एक एलर्जी का नाम दे सकते हैं,
जिस तरह से अगर हम कुछ चीज़ खाते हैं तो उससे हमें कभी कभी एलर्जी हो जाती है, दाने निकल आते हैं शरीर पर या आपको छींके आने लगती हैं, तो ये कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं माइग्रेन के केस में भी। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जी है, अगर आप उसको खा लेते हैं तो आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जिनसे आपको माइग्रेन का अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो कुछ ऐसी 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला हार्मोनल चेंजेस, ये मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है, स्पेशली वो फीमेल्स जिनको पीरियड्स के दौरान माइग्रेन का अटैक आता है तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अगला जो फैक्टर होता है वो होता है इमोशनल चेंजेस। इसका मतलब होता है अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं और आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, कंटिन्यूसली एंग्जाइटी बनी हुई है, तनाव रहता है, आपको नींद नहीं आती है प्रॉपर, तो इसकी वजह से भी आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है या फिर ये आपको ट्रिगर कर सकता है। तीसरा फैक्टर होता है फिजिकल एक्सर्शन। इसका मतलब अगर आप लगातार काम कर रहे हैं और नींद पूरी नहीं ले रहे हैं या प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो भी ये माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है और इसकी वजह से आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है डाइट्री इनटेक। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी है या कुछ मसाले हैं उनसे एलर्जी है या कुछ आप पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं जिसमें केमिकल्स ज़्यादा होते हैं या जिन फूड्स में फ्लेवर्स वगैरह डाले रहते हैं, तो कुछ लोगों में इसकी वजह से भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो आज आपको मैं डाइल्यूशंस और मदर टिंचर्स दोनों के बारे में बताऊंगी जो माइग्रेन पर बहुत अच्छा काम करते हैं और आपके माइग्रेन को पूरी तरह से ठीक भी कर देते हैं। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं मदर टिंचर्स के बारे में। तो मदर टिंचर्स में आपको 3 मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि जिसका आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है और उसको आपको लेना है। तो सबसे पहला इसमें मेडिसिन आती है सीनोथस। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ पेन होता है सर में और आँखों में भी पेन होता है, मोस्टली राइट साइडेड हेडेक होता है अगर आपको, और आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और आपके जो स्कल है उसमें ठीक से फिट नहीं हो पा रहा है, मतलब ऐसा फील होता है पेशेंट को कि उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा फुलनेस वाली फीलिंग आती है सर में, इस तरह का अगर आपको लगता है तो उसके लिए सीनोथस बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मदर टिंचर है सैंग्विनेरिया मदर टिंचर। तो इस मेडिसिन में भी राइट साइडेड सर दर्द देखने को मिलता है और आपका जो दर्द है सर के पीछे से होकर आपका दर्द आँखों पर आता है, आँखों पर आके सेटल्ड होता है और अगर आप थोड़ा सा भी मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं तो सर में बहुत तेज़ दर्द होता है या धूप में निकलने पर बहुत तेज़ सर दर्द करता है और लेटे रहने पर आराम मिलता है, तो इस कंडीशन के लिए सैंग्विनेरिया क्यू बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है डामियाना क्यू। डामियाना से आपको नींद अच्छी आती है, माइंड को रिलैक्स करता है। अब जान लेते हैं आपको इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको ये तीनों मदर टिंचर्स लेकर आने हैं और इनको आपको 30 ml शीशी में लेकर आना है और साथ ही साथ आपको एक 100 ml की खाली बॉटल लेकर आनी है, खाली फाइल जिसको हम बोलते हैं, और उसमें एक ड्रॉपर भी लगवा लेना है। होम्योपैथी की शॉप से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और 100 ml की बॉटल आपको साफ स्टरलाइज्ड बॉटल लेनी है। और तो आपको क्या करना है, ये तीनों मेडिसिन लेकर आनी है और इन तीनों मेडिसिन की बराबर बराबर मात्रा लेकर उस 100 ml की खाली बॉटल में आपको डालनी है और उसको अच्छे से शेक करना है। और इसको आपको कैसे लेना है, इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 बार लेना है, 15 से 20 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है तो आप इस कॉम्बिनेशन को हर 1 घंटे में भी ले सकते हैं, इस दवा से आपको बहुत आराम मिलेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे डाइल्यूशंस के बारे में बताऊंगी जिनको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत आराम लगता है माइग्रेन में। तो फ्रेंड्स, डाइल्यूशंस बताने से पहले एक बात बताना चाहूँगी, अब जो मैं आपको डाइल्यूशंस बताऊँगी ये सभी डाइल्यूशंस आपको नहीं लेने हैं, जो भी आपका सिम्टम मैच हो रहा है मेडिसिन से उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी है, सारी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। पहली मेडिसिन है बेलेडोना 3x। अगर आपको थ्रॉबिंग पेन होता है, नब्ज जैसे आपकी चलती है उस तरह का पेन होता है और अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है तो आप इसकी 4-4 बूंदें हर 2-2 घंटे के गैप पर ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है तो आप इसको दिन में 3 से 4 बार लें, 4-4 बूंदें। दूसरी मेडिसिन है ग्लोनाइन। सर में अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन लगता है, ऐसा लगता है कि सर में एक जगह खून जाम हो गया है, छूने पर बहुत दर्द होता है, तो आपको ग्लोनाइन 3x में लेनी है और इस मेडिसिन की आपको दिन में 4-4 बूंदें लेनी है 4 बार। ये मेडिसिन हाई बीपी में भी काम करती है, तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और साथ साथ माइग्रेन भी है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है स्पाइजेलिया। तो अगर आपको लेफ्ट साइडेड माइग्रेन रहता है तो आप स्पाइजेलिया 200 लें दिन में 3 बार 4-4 बूंदें। अगली मेडिसिन है सैंग्विनेरिया 200। अगर आपको राइट साइडेड हेडेक होता है, सर के राइट साइड में दर्द होता है या फिर आपको धूप में निकलने पर तेज़ सर दर्द होता है,
तो आप सैंगनेरिया 200 लें, दिन में 3 से 4 बार चार चार बूंदें। अगली मेडिसिन है आयरिस वर्सिकलर। अगर आपको सर दर्द के साथ नौजिया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग होती है, जैसे कि उल्टी आने वाली है लेकिन होती नहीं है, या फिर उल्टी भी होती है सर दर्द के साथ और साथ ही साथ आपको एसिडिटी भी होती है, बदहजमी रहती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप आयरिस वर्सिकोलर 200 पोटेंसी में लें, दिन में 3 से 4 बार चार चार बूंदें। अगली मेडिसिन है नैट्रम कार्ब 200। स्पेशली अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो आपको बहुत तेज़ सर दर्द होता है, घर के अंदर रहते हैं तो आपको सर दर्द नहीं होता है, घर के बाहर जाते हैं और धूप लग गई सर में तो आपको तेज़ सर दर्द होना ही होना है। अगर ऐसा सिम्टम आपको आता है तो आप नैट्रम कार्ब ज़रूर लें 200 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम चार चार बूंदें। अगली मेडिसिन है नैट्रम्यूर 200। ऐसी फीमेल्स जिनको पीरियड्स के टाइम पर माइग्रेन होता है, बहुत तेज़ सर दर्द होता है, तो आप नैट्रम्यूर 200 ज़रूर लें। इसको भी आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। जैसे ही आपको आराम लगने लगे तो इसको दिन में 2 बार कर दें, आपको बहुत आराम होगा। अगली मेडिसिन है लेकेसिस। ऐसी फीमेल जिनका मीनोपॉज हो गया है, जिनको पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं और 40 साल से ऊपर की फीमेल्स हैं, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये मेडिसिन उनमें बहुत अच्छा काम करती है और इसको आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम चार चार बूंदें। अगली मेडिसिन है कालीफॉस। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होने लगा है या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं और उसकी वजह से आपको माइग्रेन ट्रिगर करने लगता है, माइग्रेन का अटैक आने लगता है, थोड़ा सा भी सोचते हैं या चिंता करते हैं तो आपको माइग्रेन का अटैक आ जाता है, तो इस कंडीशन में आप कालीफॉस 200 ज़रूर लें। इसकी आपको चार चार बूंदें दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लास्ट मेडिसिन है एपिफेगस। अगर आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन दोनों रहता है, मतलब आपको शारीरिक काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और आपको मानसिक काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब दिमाग लगाने वाला काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और उसकी वजह से आपको माइग्रेन हो गया है या माइग्रेन ट्रिगर करता है इसकी वजह से, तो आप इस मेडिसिन की चार चार बूंदें दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। आपको इन सभी मेडिसिन से बहुत आराम मिलेगा और आपका माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सारी मेडिसिन ना लें, इन मेडिसिन को कंटिन्यू लें, बीच में ब्रेक ना करें। आपको फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनको कंसल्ट करें, पूरी तरह से मेडिसिन को चलाएं, पूरा कोर्स करें, जिससे आपका माइग्रेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो। जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से उनका हेल्थ भी डाउन होने लगता है। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।